हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम बनाएंगे रोंगी की सब्जी। वैसे तो सभी घरों में बनती है, लेकिन अपना अपना तरीका होता है ना बनाने का। तो मैं एक तरीका बताऊंगी जिससे आपकी फैमिली और बच्चे खुश हो जाएंगे। और ये नहीं है कि गर्ल्स ही ट्राई करना, बॉयज़ भी करना करना चाहिए खुद का। मेरे हस्बैंड भी बनाते हैं, इसमें क्या है। और आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं बताती हूँ आपको उसको बनाने की रेसिपी। ओके, हमें सबसे पहले रोंगी बनाने के लिए चाहिए कढ़ाई। ओके गाइस, अब कढ़ाई में हमने डाल दिया है ऑयल। सरसों का ऑयल डालना बहुत ही अच्छी बनती है इससे। और मैंने ये लहसुन की कलियां रख ली हैं, और साथ में ये कद्दूकस कर लिया हुआ प्याज, और टमाटर को भी कद्दूकस कर लेना। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ऐसे ग्रेवी टाइप की बन जाती है ना। अभी हमने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। तो ओके गाइस, हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे रेड चिल्ली, सूखी हुई चाहिए बिल्कुल। और फ्लेम को हम हल्का सा कम कर लेंगे, और हम डालेंगे अभी ज़ीरा। ज़ीरा थोड़ा ही डालना। अब हम इनको हल्का सा भून लेंगे। अब हम डालेंगे लहसुन की कलियां, और देखो गाइस, ये लहसुन की कलियां हल्की हल्की ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इसके नेक्स्ट डालेंगे प्याज। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने कद्दूकस किया हुआ प्याज इसमें डाल दिया। अब हम इनको इसको 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से पकाएंगे, ताकि ये हल्का सा ब्राउन हो जाए। अब ये हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह का करना है। उसके बाद हम डालेंगे टमाटर, अच्छी तरह से मिक्स कर लें इसको। अब इसको 1 से 2 मिनट ऐसे ही पकाएं। ये देखिए, अब हल्का सा हो चुका है ये भी। अब हम नेक्स्ट जो इसमें डालेंगे वो है हल्दी, 2 टीस्पून। और इसमें थोड़ी सी हम रेड चिल्ली डालेंगे, और इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, और थोड़ा सा हम डाल देंगे चिकन मसाला, और नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार, और हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे टिक्की मसाला, जिससे हमारी सब्ज़ी में कलर अच्छा आएगा। गाइस, अब हमारा मसाला तैयार हो चुका था। हमने अब इसके बीच में रोंगी डाल दी है। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि इसका स्वाद अच्छी तरह से बने। ऐसे ऐसे करके अच्छी तरह से इसको दबाएं, ताकि ये मुलायम हो जाए अच्छी तरह से। ओके गाइस, तो फाइनली हमारी रोंगी जो है वो भुन चुकी है। अब इसमें हम जो रोंगी का पानी है ना, वही डालेंगे, क्योंकि दूसरा पानी डालने से ना थोड़ा टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसका जो पानी होता है वो बॉइल किया होता है ना, तो इसलिए अब हमने इसमें डाल दिया। और अभी हम इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। ये देखिए गाइस, आप भी ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए ऐसे बनाएं। ओके गाइस, तो हमारी रोंगी बनके हो चुकी है तैयार, और अब हमारा है खाने का टाइम। और आप भी अपने घर पे बनाएं और खाएं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। बाय बाय।